नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं संगीता। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को इंडियन न्यूज की पूरी टीम की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। देखेंगे सबसे पहले खबर राजनांदगांव से। डोंगरगढ़ विधानसभा के ग्राम पांडादा के साप्ताहिक बाजार में कांग्रेसियों ने चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां केंद्र सरकार को जमकर कोसा गया। कांग्रेसियों ने बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर भर्ती पर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। चर्चा में डोंगरगढ़ विधायक, केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान पर हर विधानसभा क्षेत्रों के बाजारों में 27 अगस्त तक चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले के पांडादा बाजार चौक की चर्चा में कांग्रेसियों ने भूपेश सरकार की तारीफ कर मोदी की नीतियों पर निशाना साधा। चर्चा में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज ने कहा कि केंद्र सरकार कई टैक्स लगाकर आम जनता पर बोझ डाल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार, किसान विरोधी सरकार, छत्तीसगढ़ की खाद की आपूर्ति को रुका दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो ये बताए कि खाद की आपूर्ति का काम किसका है। मैं आपको बताता हूं कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, किस राज्य में कितनी खाद जाना है, इसका निर्णय केंद्र की सरकार करती है। राज्य का काम केवल वितरण का काम होता है। राज्य के पास कोई खाद की फैक्ट्री नहीं होती, कोई खाद की एजेंसी नहीं होती। हम केवल एक वितरण संस्था है और हमारा काम है जितना केंद्र से खाद आएगा उतना वितरित करना है। केंद्र की सरकार खाद नहीं भेज रही है और खाद के रेट आसमानों पे हैं। पोटास का रेट बढ़ गया, डीएपी का रेट बढ़ गया, एक तरफ किल्लत भी कर दी और उल्टा रेट ही बढ़ा दिया। ये केवल केंद्र सरकार के कारण खाद की किल्लत हो रही है। साथियों, मैं आपके माध्यम से किसानों को बताना चाहता हूँ। भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बाजार में चर्चा महंगाई के खिलाफ रही। उसके तहत आज हम लोग डोंगरगढ़ विधानसभा के बड़े बाजार पांडादा में पहुँचे हैं और ये जनता ने ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मोदी जी के आने के बाद महंगाई कितनी तेज़ी से बढ़ी है। इस सिलेंडर को हम लोग 700-800 में बढ़ाते थे, आज वो 1200 हो गया है। डीजल पेट्रोल का हाल बहुत ख़राब है। ये हर क्षेत्र के जनता को बताने का काम कर रहे हैं। अभी हमारा पूरा विधानसभा में जो भी बड़े बड़े गाँव हैं, बड़े बाजार हैं, वहाँ ये सतत हमारा 27 तारीख तक चलता रहेगा और महंगाई के खिलाफ सभी लोग जनता को बताने का काम हमारे। दुर्ग शहर के सिविल लाइन में 10 लाख से निर्मित कृष्ण कुंज का जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने लोकार्पण किया और कृष्ण कुंज में जिले के एसपी, कलेक्टर, संभाग आयुक्त व निगम महापौर के साथ डीएफओ ने भी पौधारोपण किया। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजने कृष्ण कुंज की स्थापना की गई है, जिसका विधिवत उद्घाटन शहर विधायक अरुण वोरा ने फीता काट कर किया, जिसके पश्चात जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, एसपी अभिषेक पल्लव, संभाग आयुक्त व वन विभाग के अधिकारियों के साथ शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने पौधारोपण किया। कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का रोपण किया गया है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे प्रदेश के मुखिया जी की मुकेश बघेल जी की जो परिकल्पना रही है कि पूरे प्रदेश में कृष्ण कुंज का निर्माण किया जाए, उसके लिए उन्होंने हर जिले में 10-10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है और एक एकड़ स्थान पर कृष्ण कुंज लगाए गए, जहाँ पर फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे उनकी ये परिकल्पना है कि पर्यावरण को हम संरक्षित रख सकें और हमारे सांस्कृतिक धरोहर में हम लोग हमेशा सहभागी बने रहें। साथ ही कृष्ण जी की कृपा से सब खुशहाल रहें और कृष्ण जी ने हमें सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया, अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया और उनकी जो विभिन्न लीलाएं हैं, उनकी लीलाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ जब हम आएंगे तो हमारे मन में यह भावना होगी कि हम भी भगवान के बताए हुए रास्तों पर चले और ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम लोग एक दूसरे के काम आए और कभी भी हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य न हो जिससे किसी की भावनाओं को दुख या ठेस पहुँचता हो। इस परिकल्पना के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण कुंज की स्थापना की है। ये बहुत ही पहला अवसर है पूरे प्रदेश में, ये पूरे, मैं तो समझता हूँ, मैंने पहली बार सुना है
कहीं पर भी ऐसी नहीं सुना कि ऐसी योजना आई हो। ये मुख्यमंत्री जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। देखिए, कृषकों का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि नगरीय क्षेत्रों में वन विकसित करने का, और वो कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने का एक मंशा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की थी। तो उसके तहत समस्त हमारे संभाग में 41 नगर निकाय हैं, जहाँ पे 34 जगहों पे ये काम आज लोकार्पण का काम पूरा हो गया। ऐसे जगहों पे ज़मीन नहीं मिल पाई या प्रॉब्लमेटिक ज़मीन है, पानी डूबा हुआ है, इस तरह के प्लांटेशन के काम नहीं हो पाए हैं। 34 जगहों पर लोकार्पण का काम आज सम्पन्न हो जाना है। इसमें 22 प्रजातियाँ हैं, आम है, नीम है, कटहल है, पीपल है, बरगद है, अशोक, मतलब इस तरह के कदम, विशेषकर कृष्ण जी से, भगवान कृष्ण से संबंधित जो प्रजातियां हैं और जिनका देश प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो पहचान होती है जिन पौधों की, वो सब प्रजातियां लगा के हम उनको संरक्षित करके एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे, जिससे और लोग उत्साहित हों और शहरों में, शहरी इलाकों में वन के रूप में विकसित किए जा सके। दुर्ग के 5 बिल्डिंग स्थित सिविल लाइन में 1 एकड़ के क्षेत्र में कृष्ण कुंज का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व के पेड़ों को सहेजना है और युवा पीढ़ी को इन पेड़ों के पर्यावरण व सांस्कृतिक महत्व से परिचित कराना है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग के कोसरिया यादव समाज ने भगवान कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल रहे। भगवान कृष्ण की निकली इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक पारंपरिक राउत नाचा और आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति रही। कृष्ण जन्माष्टमी पर निर्मित हुए इस भक्तिपूर्ण माहौल का इंडियन न्यूज के संवाददाता सुरेंद्र ठाकुर ने जायजा लिया। दुर्ग में कोसरिया यादव समाज के द्वारा पिछले 11 वर्षों से कृष्ण जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यही शोभा यात्रा आज भी निकाली गई है। हमारे साथ कुछ लोग यादव समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह के संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से। सर बताएं किस तरह का संदेश है इसमें? यह संदेश यह है हमारी एकता का, हमारी अखंडता का। हम यादव समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए सारे सर्किलों के सहयोग से, हर सर्किल अध्यक्ष का सहयोग मिला है इसमें, और इसका आज का जो कोसरिया यादव समाज का और जो आज का जो सफल आयोजन है उसमें हमारे युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। युवा लोगों की संख्या जो आप भी देख रहे हैं ज़्यादा है, उनकी मेहनत और उनका आज रंग लाया है और हम आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो भी हो सके वो हम करना चाहते हैं। विगत 11 वर्षों से शोभा यात्रा निकाल रहा है, आप बताएंगे कि हम यादव समाज के तरफ से आप सभी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। युवा संगठन द्वारा दुर्गा महाजिला सभा से कोसरिया यादव समाज द्वारा कृष्ण भगवान की प्रतिवासा की भांति इस वर्ष बहु ज़्यादा संख्या में कृष्ण यादव समाज की रैली निकाली गई है। यादव समाज के लिए भगवान कृष्ण कितने इम्पोर्टेंट है? यादव समाज के लिए और सभी समाज के लिए कृष्ण भगवान बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कृष्ण भगवान बचपन से ही एक संघर्षशील कार्य किए थे और एक ग्वाला होकर द्वारकाधीश का राजा बने थे। इसीलिए हम कृष्ण भगवान को अपने एक प्रतीत मानते हैं कि कृष्ण भगवान हमारे जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और हमारा इष्ट देव कृष्ण भगवान है। तो यादव समाज के इष्ट देव है भगवान कृष्ण, इसकी वजह से ये यादव समाज के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज उसी उत्साह और उमंग के साथ यादव समाज के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई है। मैं आपको शोभा यात्रा के पूरे दृश्य दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे यह शोभा यात्रा निकाली गई है, और इसमें जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यादव समाज का पारंपरिक नृत्य है राउत नाचा, उसे प्रदर्शित करते हुए यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और पीछे भगवान कृष्ण की भव्य शोभा यात्रा है, जिसमें छोटे बच्चे भगवान कृष्ण के रूप में शामिल हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यादव समाज के लिए सबसे पहले मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के जो आज जन्म उत्सव है, उसके उपलक्ष्य में हम सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय को लेकर एक विशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये जुलूस का हमारा मकसद यही है कि सर्वे मंत्र सुखना, सर्वे सर्वे संत रामाया, सर्वे भद्राणी
यहाँ रैली निकालने जा रहे हैं। ये जो रैली है दुर्ग जिला यादव महासभा कोसरे की तत्वाधान में निकाले जा रहे हैं, और हम जगत गुरु से यहीं से निवेदन करते हैं कि सब भगवान को संसार को सुखी रहे, अच्छे रखे, स्वस्थ रखे। इन्हीं संदेश को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुख शांति और समृद्धि की कामना को लिए कोसरिया यात्रा समाज के द्वारा यह शोभा यात्रा निकाली गई है। और मैं आपको बता दूं, आपको पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो देखिए भगवान कृष्ण की स्वरूप में एक बच्चा यहाँ पर जो शोभा यात्रा में शामिल है, और इनके द्वारा शोभा यात्रा में ये भगवान कृष्ण का स्वरूप लिए यहाँ पे खड़ी हैं, जिनके सर पर मुकुट है, हाथ पर बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण की पूरी लिबास में है। छोटा बच्चा भी है जो श्री कृष्ण के पूरे जीवन। आप आज बच्चा श्री कृष्ण बना है इस रैली में, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी की बात है, पूरा दुर्ग जिला के लिए खुशी की बात है। हम कहना चाहेंगे कि हर एक घर में कान्हा पैदा होता है, लेकिन जब कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो उसका महत्व अलग ही हो जाता है। आज मेरे पास एक कान्हा है, आप देख सकते हैं कि इस रास लीला लचाते हुए कान्हा जी, जिन्होंने पूरे सृष्टि की रचयिता की है और पूरे सृष्टि में जिन्होंने हमारे यादव वंश का नाम रोशन किया है। मैं कहना चाहूंगी कि आप भी अपने बच्चों को कान्हा की तरह सजाए धजाए और बहुत ही सुंदर तरीके से फोटो व्हाट्सएप फेसबुक में हिंदू धर्म का प्रचार करें, और हमारे कान्हा जी के श्री कृष्ण जन्माष्टमी कोसरिया यादव महासभा के इस शोभा यात्रा में अधिक कोसरिया यादव समाज के द्वारा मनाया जा रहा कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज पूरे शहर को कृष्णमय कर दिया है, जिसमें शहरवासियों के साथ यादव समाज के लोग भी शामिल हैं। इंडियन न्यूज के लिए कैमरा सन्नी के साथ मैं हूं सुरेंद्र। भिलाई के अक्षय पात्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्लासिकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने आकर्षक प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अक्षय पात्र में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की कुछ खास झलकियां।
कोल्हापुर जिले में अज्ञात व्यक्ति फेक आईडी बनाकर एक महिला को फेसबुक और इंस्टाग्राम में अश्लील मैसेज भेज रहा था, जिसे बतौली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बतौली थाना क्षेत्र की एक महिला को इंस्टाग्राम और फेसबुक में अंजलि नौरंगी के नाम की फेक आईडी से अश्लील मैसेज भेजकर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके आरोपी को साइबर पुलिस ने खोजबीन कर पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में झारखंड बरियातू निवासी रुपेश नवीन नाग को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें युवक ने अश्लील मैसेज कर प्रताड़ित करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। थाना बतौली में एक पीड़िता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसके फेसबुक अकाउंट से उसका फ़ोटो लेकर के एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम में उसके नाम का फर्जी आईडी बना करके उसमें अश्लील कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, जिस पर थाना बतौली के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। और विवेचना क्रम में आरोपी के रांची में होने की जानकारी प्राप्त हुई, इस पर यहां के द्वारा टीम भेजा गया और उसको पकड़ कर लाया गया और उसको आज न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। अंबिकापुर जिले के बरडाट बस्ती में हाथी के घुसने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जहां हाथी ने खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है। वन विभाग के कर्मचारी हाथी को गांव से खदेड़ने की मशक्कत कर रहे हैं। बीती रात मैनपाट के बरडार बस्ती में एक दंतेल हाथी घुस गया, जिसने गांव में जमकर उत्पात मचाया। हाथी के उत्पात से ग्रामीण दहशत में आ गए। इस हाथी ने किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को रौंद कर तबाह कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हाथी को गांव से खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आप इंडियन न्यूज के साथ, खबरें अभी बाकी हैं। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदू टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279 7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अंबिकापुर में बाल गंगाधर गणपति स्थापना समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष निवास पर हुई, जहां गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर विशेष चर्चा की गई। साथ ही समिति के सदस्यों ने गणेश उत्सव को भव्य रूप से मनाने का निर्णय भी लिया। बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति की बैठक टिंडी सिंह बाबरा के निवास में गणेश उत्सव को भव्य रूप से देने के लिए हुई। बैठक में समिति के नवीन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई और निष्क्रिय सदस्यों को पदमुक्त किया गया। समिति के पदाधिकारियों की माने तो अंबिकापुर के घड़ी चौक में विशाल आयोजन होता है, जहां विसर्जन के लिए आने वाली गणेश प्रतिमाओं का अवलोकन के बाद समिति के लोगों का स्वागत किया जाता है, साथ ही श्रेष्ठ प्रतिमाओं को पुरस्कृत भी किया जाता है। बाल गणना समिति की बैठक आज ये कार्यकारिणी की रखी गई थी। आगामी जो कार्यक्रम 31 तारीख से चालू होने हैं, उसके लिए एक रूपरेखा, प्रारंभिक रूपरेखा बनाई गई। कार्यक्रम बहुत विशाल स्तर पर होता है और पूरे जिले भर से आने वाले लोग जो रहते हैं, जो विसर्जन के लिए आते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ प्रशासनिक व्यवस्था और आमजन के सहयोग के साथ जो सरल हो के विसर्जन की व्यवस्था हो, उसके लिए एक रूपरेखा सामान्य तौर पर बनाई गई है। आगामी आने वाले समय में पूरी कार्यकारिणी के विस्तार के साथ एक योजना सही तरीके से बना ली जाएगी, ताकि विसर्जन का कार्यक्रम बहुत सही तरीके से सम्पन्न हो। प्रशासनिक सहयोग सदैव से रहा है, प्रशासन को भी पूर्ण रूप से सूचना दे दी गई है और जहाँ जहाँ तालाब में विसर्जन होता है उनकी साफ़ सफाई का, लाइटिंग का और बाकी निस्सारण का व्यवस्था
वो सब प्रशासन के सहयोग से हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से पिछले 2 साल बाद कोरोना के बाद हो रहा है, आशा है कि लोग गणमान्य नागरिक काफ़ी संख्या में उपस्थित होंगे और कार्यक्रम को गणपति भगवान के आशीर्वाद के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। ये आयोजन दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसमें शासन प्रशासन का सहयोग रहता है, जनता का सहयोग रहता है, समितियों का सहयोग बहुत भरपूर रहता है और हमारे कार्यकर्ता भी बहुत उल्लासित हैं क्योंकि लगभग 2 या 2.5 साल का समय बीता। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण हम लोग 2 साल से इस आयोजन को नहीं कर पा रहे थे, लोगों में बड़ी मायूसी थी, कई तरफ से लोगों के फ़ोन भी आते थे, कई लोग आग्रह भी करते थे कि भैया ये आयोजन होना चाहिए। तो इस साल हम सभी ने, बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति ने, इस आयोजन को भव्य रूप करने का प्लान बनाया है और उसको मूर्त रूप हम धरातल में इसको करने का प्रयास कर रहे हैं और ये आयोजन 31 तारीख को गणपति महाराज विराजेंगे और लगभग 9 दिनों का घड़ी चौक में हम लोगों का विसर्जन का सामूहिक विसर्जन का कार्यक्रम होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं शहर की जनता को और आसपास से जितने भी नगरवासियों से या आसपास के क्षेत्रों से जनता आती है उनसे हम आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएँ और इस भव्य गणपति विसर्जन के कार्यक्रम में सहभागी बने। शासन के निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर धान खरीदने के बाद सप्ताह भर में भुगतान नहीं करने वाले 2 युवक फरार हो गए थे, जिसमें एक की गिरफ्तारी के बाद फरार एक युवक को गरियाबंद की साइबर सेल पुलिस ने जगदलपुर शहर से गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में रहने वाले 2 लोगों ने 1 वर्ष पूर्व गरियाबंद जिले के कई गांव के किसानों से धान के निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर हजारों क्विंटल धान खरीदकर और सप्ताह भर बाद भुगतान नहीं कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों ने की थी। गरियाबंद पुलिस ने किसानों की शिकायत पर फरार मटिया बाहरा निवासी विलास राम गोंड को पखवाड़े भर पहले जंगल से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही पुलिस ने इस मामले में फरार दूसरे आरोपी लेखराम साहू को जगदलपुर के धर्मपुरा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो किराए के मकान में रहकर दर्जी का काम कर रहा था। थाना क्षेत्र के जो 4 ग्रामों के किसान थे उनके धान अच्छी रेट में बता कर खरीदे थे करीब 19 लाख रुपये के, और तब से ये पैसा न देकर फरार थे और फरार दौरान ये लोग आरोपी 2 लोग थे, एक विशाल राम गोड़ ग्राम मटिया महारा और लेख चंद साहू ग्राम मोटरा, दोनों थाना नगरी क्षेत्र के हैं। तब से फरार एक साथ फरार थे और हम लोग लगातार पता साझी कर रहे थे साइबर सेल की मदद से। ये लोग आरोपी लेखचंद साहू दूसरे के नंबर से मतलब यूज कर रहे थे, तो उनको ट्रेस करके फिर जगदलपुर जाकर एग्जैक्ट लोकेशन पर एक्सपर्ट पकड़े। बस्तर के बोधघाट पुलिस ने जगदलपुर शहर के अलग अलग स्थानों पर छापामारी की कार्यवाही कर सटोरियों को पकड़ा है, जिनके पास से हजारों रुपए नगद व मोबाइल आदि जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सटोरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। पुलिस ने जगदलपुर के बस स्टैंड कुम्हारपारा नया मुंडा तिरंगा चौक व नया मुंडा में रेड की कार्यवाही कर 4 सटोरियों को सट्टा खिलाते पकड़कर उनके पास से 2 मोबाइल और सट्टा पट्टी के साथ नगद 13,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने इस मामले में कमलजीत कश्यप, इंदर राम निषाद, विजय चंदन और सुजीत नाग को गिरफ्तार कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि बोधघाट क्षेत्र में शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है लोगों से रुपए पैसे लेकर सट्टा का खेल खिलाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा आज कुम्हारपारा, नया मुंडा, बस स्टैंड, रविन्द्रनाथ टैगोर आदि अलग अलग जगहों पर रेड कार्यवाही किया गया और इस रेड कार्यवाही के दौरान जो है कुल 4 सटोरी जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो है रंगे हाथ सट्टा का खेल खिलाते पकड़ा गया है, जिनमें इंदर राम निषाद और अन्य 3 जो है शामिल हैं और 4 आरोपियों के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत जो है सट्टा की कार्यवाही की गई है और 4 आरोपियों के कब्जे से जो है कुल 13,000 रुपये नकद, 2 मोबाइल और सट्टा पट्टी बरामद कर जब्त किया गया है और 4 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है। चोरी के सामान बेचने के फिराक में 2 युवक घूम रहे थे, जिन्हें जगदलपुर की परपा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में प्रस्तुत किया है।
जगदलपुर की परपा पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक चोरी के लोहे के सेटरिंग प्लेट और टुल्लू पंप को खपाने के लिए ग्राहक की तलाश करने मारेंगा चौक में घूम रहे हैं, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने के बाद कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में संदिग्ध युवक ने पुलिस को सामान के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करा पाए। फिलहाल पुलिस ने चोरी के संदेही युवक विजय मौर्य और अजय काड़ियाम के पास से सेटरिंग प्लेट और टुल्लू पंप जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि मारेंगा चौक में कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो है चोरी के सामान के साथ देखे गए हैं। सूचना पर थाना प्रभारी परपा धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा मारेंगा चौक में दो संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम विजय मौर्य और अजय कड़ियाम, दोनों निवासी तेली मारेंगा का होना बताया गया, जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास जो है 6 नग सेंटरिंग प्लेट और 2 टुल्लू पंप जो है वो बरामद हुए, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर इनके द्वारा उक्त संपत्ति के किसी प्रकार का कागजात होना नहीं बताया गया और उक्त सामान जो है चोरी का होना बताया गया। मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है 6 नग सेंटरिंग प्लेट और 2 टुल्लू पंप जो है बरामद कर जब्त किया गया है, और मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 41(1)(4) दंड प्रक्रिया संहिता एवं 379 IPC के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। बेमेतरा जिला के साजा ब्लॉक में नदी के तेज बहाव में दो बच्चियां डूब गई, जिसमें एक बच्ची को पास खड़े एक बालिक ने नदी से बाहर निकाला, वहीं दूसरी बच्ची को ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला। हॉस्पिटल पहुंचाए जाने के बाद डॉक्टर ने एक को मृतक घोषित कर दिया, वहीं दूसरी का इलाज चल रहा है। साजा ब्लॉक के ग्राम चौका में दो बच्चियां नदी में नहाते समय डूब गई। पास खड़े एक 15 वर्षीय सीताराम ने अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगाकर एक बच्ची को बाहर निकाल लिया, वहीं दूसरी बच्ची को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसे गंभीर हालत में 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा लाया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने एक बच्ची को मृतक घोषित कर दिया, वहीं हॉस्पिटल में दूसरी बच्ची का उपचार चल रहा है। इंडियन न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।